और बड़ी खबर का अब रुक कर लेते हैं। महेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज कोर्ट में आज माफिया ब्रदर्स की पेशी। तो बता दें सीजीएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होगी। पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग यहां पर करेगी पुलिस। 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। तो रिमांड मंजूर होने पर पुलिस दोनों से पूछताछ करेगी। पेशी के लिए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है, तो वहीं बरेली जेल से अशरफ को। और आज दोनों भाइयों की कोर्ट में पेशी होनी है और इस दौरान पुलिस जो है 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है। तो प्रयागराज में आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को यूपी पुलिस सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी और पुलिस कोर्ट से कस्टडी रिमांड मांग करेगी। पुलिस कोर्ट से अतीक और अशरफ की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। तो कस्टडी रिमांड मंजूर होने पर पुलिस दोनों माफियाओं ब्रदर से पूछताछ करेगी। कई सवाल जवाब जो हैं वो यहां पर किए जाएंगे। बता दें कि बुधवार को माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से वारंट बी में लाया गया। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर में माफिया ब्रदर्स की आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, अतीक अहमद और अशरफ। तो दूसरी तस्वीर उमेश पाल हत्याकांड के दौरान की कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इसी संदर्भ में आज माफिया ब्रदर्स की कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। तो पुलिस कस्टडी रिमांड यहां पर मांगेगी और आज कोर्ट में पेशी यहां पर होगी। और पेशी के दौरान क्या कुछ आधार रखा जा सकता है पुलिस की तरफ से देखना होगा। नैनी जेल से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं का सीधा रुख कर लेते हैं। क्या सुगबुगाहट है, आज माफिया ब्रदर्स की पेशी है, क्या हलचल वहां पर? प्रयागराज के इस नैनी जहां पर की माफिया ब्रदर्स को रखा गया है, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार लगभग 11 बजे का समय होगा जब अतीक अहमद और उसके भाई को यहां से लेकर के पुलिस निकलेगी, सीजीएम कोर्ट जाएगी, जहां पर पुलिस 14 दिन की रिमांड के लिए मांग करेगी। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल है जो अतीक के सीने में दफन है और उन सारे सवालों के उत्तर पुलिस लेना चाहती है और इसीलिए 14 दिन की रिमांड पुलिस कोर्ट से गुहार करेगी। 14 दिन की रिमांड जो है वो दी जाए ताकि पूछताछ में उन सारे सवालों के जवाब मिल पाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो अधिकारीगण हैं वो जेल के गेट से बाहर आ रहे हैं, सारी चीजों की यहां पर निरीक्षण की जा रही है क्योंकि अब तैयारी धीरे धीरे शुरू हो रही है। 9 बजे का समय अब पार हो रहा है तो जाहिर सी बात है 11 बजे के आसपास अतीक अहमद और उसके भाई को यहां से कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, खबर यह भी है कि अतीक अहमद रात भर बहुत परेशान रहा है, ठीक से सो नहीं पाया है और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है। जिस तरीके से कल लाया गया अतीक अहमद को, उस समय भी अतीक अहमद ये कह रहा था कि माफिया गिरी खत्म हो गई है, मिट्टी में मिल चुका रखा जा रहा है, परिवार बर्बाद हो गया है। तो इन सारे चीजों का दिख रहा है और उसे ये भी दिख रहा है कि और भी कैसे मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल सुशांत। तो कोर्ट परिसर में आज सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। तो माफिया ब्रदर्स की उमेश पाल हत्याकांड में ये पेशी सीजीएम कोर्ट में होनी है और यहां पुलिस 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग यहां पर कर सकती है। तो नैनी जेल में किस तरह की हलचल है, ग्राउंड से हमारे संवाददाता सुशांत आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। 11 बजे पेशी होनी है और उससे पहले जो नैनी जेल में तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है कि किस तरह से इन दोनों माफिया ब्रदर्स यानी अशरफ और अतीक अहमद को कोर्ट परिसर तक ले जाना है। तो इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से अलग अलग गाड़ियों में जो है पूरी सुरक्षा कड़ी के बीच जो है अतीक और अशरफ को ले जाया गया था। तो क्या जानकारी सुशांत, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्या जानकारी है, क्या आज दोनों माफिया ब्रदर्स को एक साथ ले जाया जाएगा या फिर पिछली बार की तरह अलग अलग गाड़ियों में? देखिए गाड़ियां तो अलग अलग होंगी क्योंकि अतीक अहमद जिस वैन में आया है वो वैन और उसका भाई जिस वैन में आया है वो वैन। आप तस्वीरों में देखिए साइड के, अगर गेट के ठीक साइड में आप देखेंगे तो वैन जो है खड़ी है और तैयारी पूरी है यहाँ पर, यानी कि पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, बस इंतजार है एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट के समन्वय का कि आखिर किस समय जो है सुनवाई शुरू होती है। आप देखिए जो अधिकारियों के जीप हैं वो जेल के बाहर पहुंच चुके हैं, लगातार जो तैयारी है वो अंतिम दौर में चल रही है
और वैन को भी पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। जो पुलिसकर्मी उस वैन में रहते हैं, जिनकी ड्यूटी रहती है, वो पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है 11 बजे के आसपास अतीक अहमद यहां से निकलेगा और उसके भाई अशरफ भी उसके बाद यहां से निकलेगा और कोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जिस तरीके से पुलिस ने तैयारी की है, पुलिस के अनुसार 14 दिन के रिमांड जो है पुलिस मांगेगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं और उसके जवाब अतीक और अशरफ से पुलिस चाहती है। और इसी और देखना होगा सुशांत की जब 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मंजूरी अगर कोर्ट की तरफ से मिलती है तो क्या वो अहम खुलासे हो सकते हैं जिसकी उम्मीद पुलिस टीम जता रही है। फिलहाल इस हलचल को लेकर, चहलकदमी को लेकर नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है, अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नैनी सेंट्रल जेल में अशरफ ने मांगी धार्मिक किताबें। देर रात जेल प्रशासन ने अशरफ को धार्मिक किताबें दी। धार्मिक किताबें पढ़कर अशरफ ने बिताई रात। तो अशरफ ने जेल में ही नमाज पढ़ी तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जहां अतीक अहमद भी पूरी रात बेचैनी में उसने गुजारी, तो वहीं इस बीच ये अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नैनी सेंट्रल जेल में अशरफ ने धार्मिक किताबें मांगी, जिसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से अशरफ को धार्मिक किताबें मुहैया कराई। और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है, उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांड को लेकर अतीक और अशरफ से पूछताछ की तैयारी। तो पूछताछ के लिए तैयार की गई पुलिस और अफसरों की स्पेशल टीम। अतीक और अशरफ से पूछे जाने वाले 200 सवालों की फेरिस्त तैयार की गई है। तो असद समेत पांचों शूटर्स के छिपने के ठिकाने को लेकर भी पूछताछ होगी। तो आज बता दें सीजीएम कोर्ट में माफिया ब्रदर्स की पेशी होनी है। 14 दिन की कस्टडी रिमांड यहां पर मांगी जा सकती है और इस दौरान क्या सवाल जवाब होंगे इसकी फेरिस्त भी तैयार कर ली। उमेश पाल शूटआउट में